Now we have question number 81. If P, Q, an rth and sth term of an AP be in GP, prove that P minus Q, Q minus R, R minus S are in GP. So मैं प्रूव करना है कि ये तीन टर्म्स जीपी में. So, ये जो टर्म्स हैं ये एपी के हैं जो कि जीपी में भी है. ठीक है. सो अगर हम पीथ टर्म निकालें डेट इज एपी, सो इट विल बी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है एपी का, ये जो कोई भी एपी है उसका फर्स्ट टर्म है एंड डी कॉमन डिफरेंस है. सो सिमिलरली ए क्यू इक्वल टू होगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड ए आर इक्वल टू होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड ए एस इक्वल टू होगा ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी. सो दीज आर द टर्म, ठीक है, ऑफ एन ए पी एंड ये गिवन है हमें कि जीपी में है. ठीक है. सिंस ए पी, ए क्यू, ए आर, ए एस आर इन जीपी. सो हम जानते हैं जीपी में अगर हैं सो हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं एंड कॉमन रेशियो जो निकालेंगे वो सेम ही रहता है. ठीक है. सो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए क्यू अपॉन ए पी विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू एंड विच इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर एंड इट इज इक्वल टू आर. यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो है. ठीक है. नाउ अगर हम इसको कंसीडर करें दिस पार्ट को, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू, तो इसको कंसीडर करते हैं. सो याद आएगा ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू. नाउ क्या करेंगे, दोनों में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी दोनों में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी गेट ए क्यू अपॉन ए पी माइनस वन इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू माइनस वन. सो ये आ जाएगा ए क्यू माइनस ए पी अपॉन ए पी एंड इट इज इक्वल टू ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू. नाउ इसको हम इधर लेकर जाएंगे सो अपॉन में आ जाएगा. वी गेट ए क्यू माइनस ए पी अपॉन ए आर माइनस ए क्यू एंड इस ए पी को इधर लेकर जाएंगे सो ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए पी अपॉन ए क्यू. नाउ इसको ओपन करेंगे सो ए क्यू इक्वल टू था ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस ए पी था ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी अपॉन ये है एंड अपॉन में है ए आर. सो इट इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी माइनस ए क्यू. सो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए क्यू. नाउ इसमें से देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा इधर भी एंड दिस यहाँ पे ऊपर बचेगा क्यू माइनस वन, इनमें से इसे माइनस करेंगे सो यह आ जाएगा क्यू माइनस वन माइनस पी एंड माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी एंड अपॉन में आ जाएगा आर माइनस वन आर माइनस वन
माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पे ए पी अपॉन ए क्यू। नाउ सो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस वन से प्लस वन, सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन दिस आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए क्यू, ठीक है। एंड इसको वी कैन राइट आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए पी एंड कंसिडर इट इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम इसको कंसिडर करेंगे दिस ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर, सो वी गेट ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर। सो अगेन दोनों में से वन को सबट्रैक्ट कर देंगे, सो यह आ जाएगा ए आर अपॉन ए क्यू माइनस वन ए एस अपॉन ए आर माइनस वन, सो माइनस वन किया सो वी गेट ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस माइनस ए आर अपॉन ए आर। अगेन इसको इधर ले जाएंगे एंड देखो ए क्यू को इधर ले जाएंगे सो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड ए एस माइनस ए आर को इधर लेकर आएंगे सो अपॉन में हो जाएगा, वी गेट ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए एस माइनस ए आर एंड इट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर। नाउ इन टर्म्स को ओपन करेंगे सो ये आ जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस आर माइनस वन इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर। यहां से देखो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गेट आर माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी अपॉन एस माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर, डी से डी कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट आर माइनस क्यू अपॉन एस माइनस आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर। नाउ इसको वी कैन राइट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसका सो ये आ जाएगा एस माइनस आर अपॉन आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर। नाउ हम क्या करेंगे इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वन का डिवाइड, ठीक है सो ये आ जाएगा आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन, अच्छा यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए आर अपॉन ए क्यू एंड इधर आ जाएगा ए आर अपॉन ए क्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास थी दिस वन, सो इसमें भी अगर हम माइनस वन का मल्टीप्लाई और माइनस वन का डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन। नाउ वी नो दैट दिस ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू दिस ए आर अपॉन ए क्यू, ठीक है सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का आर एच एस पार्ट इक्वल है, ठीक है सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन
इन दोनों में आर एच एस पार्ट इक्वल है, सो एल एच एस पार्ट भी इक्वल होगा. सो वी गेट आर माइनस एस दिस क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर. एंड फ्रॉम हियर From here, we can see, we can say that P minus Q, Q minus R, and R minus S are in GP. So hence proved.